गृहस्थी आज वृत्ति वृत्तंते भी और कहीं आगे जाके ये उपासना करता है। अपने अंदर तड़प पैदा करो ईश्वरी जी से मिलने, ईश्वरी की सेवा प्राप्ति। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन, साधु संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको ऐसे संत के दर्शन कराने वाले हैं जो बचपन से ही जिन्होंने सखी भाव को हृदय में धारण किया है और अपने आप को किशोरी जी की सखी मानते हैं और आज भी वो सखी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। ब्रजवासी उनको सखी बाबा कहें। कैसा उनको जीवन है, क्यों उन्होंने ये भाव धारण करे, क्यों अपने आप को लाडली जी की सखी बताते हैं और मानते हैं, क्या रहस्य है इस भाव के पीछे, आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आज आनंद लेते हैं संत दर्शन का और संत के सत्संग का। कैसा भक्ति का अनुभव रहा, कितने साल बाबा को विरक्त जीवन में हो गए, आइए ये सब बातें जानेंगे बाबा के दर्शन के बाद। तो चलते हैं बाबा महाराज की कुटिया के अंदर, मेरे पीछे आप दर्शन करें, यही छोटी सी कुटिया बाबा महाराज की है और इसी में रह करके रात दिन हमारी किशोरी जी का भजन करते हैं सखी के रूप में, अपने आप को लाडली जी की सखी मानते हैं। और वास्तव में ये सत्य भी है, हमारे ब्रज के संत और रसिकजन कहें कि हमारे ठाकुर जी के सिवाय श्रीधाम ब्रजमंडल में दूसरों कोई पुरुष है ही ना है। आपको शरीर हमारा पुरुष को दिखाई दे परंतु वास्तव में या के भीतर जो भाव है वो हमारी लाडली जी की सखी को है, सिवाय भगवान के या ब्रजमंडल में दूसरों कोई पुरुष है ही नहीं, हम और आप सभी लाडली जी की सखी हैं। तो आइए अब चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के सत्संग का। और अब हम पहुंच चुके हैं सखी जी के श्री चरणन में। सर्वप्रथम तो आप दर्शन करो बाबा, अपने आप को लाडली जी की सखी माने और ये जो भाव है सखी भाव, ये संसार को सर्वोत्तम भाव है। बाबा को कैसे ये प्रेरणा प्राप्त हुई, क्यों बाबा सखी भेष में रहें, सखी रूप में रहें, अपने आप को लाडली जी की सखी और सहचरी माने। बाबा आपके चरणन में दास को प्रणाम। सर्वप्रथम तो आप अपनो शुभ नाम बताओ बाबा। नाम अभी गुरु जी ने दिया ना, संसारी नाम जाने ना चाहूं, संसारी नाम देने का गुरु जी ने अभी नाम दियो नहीं है और संसारी नाम से हमें कोई मतलब है नहीं, तो मैं आपको सखी कह सकूं हूं। तो बाबा दासी को, हम तो दासी बाबा है ना, मारो तो किशोरी जी की दासी है। वास्तव में अगर बाबा सत्य की बात कहूं तो या ब्रजमंडल में हमारे ठाकुर जी के सिवाय दूसरा कोई पुरुष तो है ही ना है, हम और आप सब वास्तव में श्री जी की सखी हैं। परंतु या भाव को आपने धारण करे, या के पीछे क्या लीला रही है ठाकुर जी की, किशोरी जी भूमिका बना में सबके संग खेले जी, बचपन हमारा यहीं बीता जी, हमारी मैया यहीं की है, तो शुरू शुरू में आ गए हम यहाँ, मतलब आपको जन्म स्थान भी ब्रज में ही है, ब्रज में ही है, स्थान है। और छोटे से हमारी नानी लाए सत्संग में, बाबा के में बड़े वाले सत्संग में जी, तो सबक सत्संग में और प्लस में लीला देखा है, रासलीला। अच्छा, नानी के संग छोटे से छोटे से वासा में जी, बाबा का सत्संग और रासलीला, रासलीला से बिहारी की कृपा छोटे से कुछ बचपन ते रही, बीच में आगे चले तो घर के अंदर बड़े हुए तो कमाने के भेज दिए श्री जी अपने, खेच लाई मुबारा सब कुछ चुड़वा के, वहां से फिर वापस आ गए घर के अंदर, कह दी जाओ बेटा कमाओ ग्रेटर नोएडा, और जो वहां साईं बाबा का मंदिर हो बोली मैया बोली गए जो श्री जी वही साईं बाबा, मैंने मुंह ना चाहिए श्री साईं बाबा, मुंह तो वही चाहिए चाहिए।
तो बाबा आपने मंदिर में सेवा पूजा करी, वहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी। अच्छा, हॉस्पिटल में कार्य करे हो, वार्ड बॉय की जी, 5 साल नवीन हॉस्पिटल में, तो ड्यूटी वहाँ, तो वहाँ बगल में मंदिर। पर जो मन में जो लगन बचपन से लग चुकी, तो बचपन की तो बीज तो यही बोया। अच्छा, यही घेवर वन में, यही कुंड पे, पहले कुंड पे था वही बाबा की। अच्छा, अब वो ऊपर तो बाबा हो गए। फिर 5 साल के बाद आपने वो जीवन छोड़ दियो। हाँ, 5-7 साल वहाँ वहाँ ड्यूटी करके फिर सीधे यहाँ खींच लाई। अच्छा, यमुना यात्रा में 2015 में यात्रा हुई बाबा की, 2015 के बाद पहला यमुना यात्रा करी, यमुना यात्रा के बाद सीधे फिर मान मंदिर में, 5 साल मंदिर में, 2 साल बाहर, 2 साल यहाँ। या स्थान को हमारी किशोरी जी को हृदय स्वरूप कहो जाए, गहवर वन को। कितने वर्ष से आप बास कर रहे हो लाडली जी के हृदय में? वैसे किशोरी जी के हृदय में तो बचपन से बास कर रहे हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से तो श्री जी 2 साल से लाई है। 2 साल से आप यहीं बास कर रहे हैं कुटिया में। बाबा कैसे परम सुख को आप अनुभव कर रहे हैं? ये सुख कहीं चले जाओ संसार में कहीं ना मिले, यहाँ तक कि मेरे मेरे अनुभव तो या बरसाने में भी ना, जो या कुंड के किनारे पे, जो राधा सरोवर के तट पे जो है, जो या गेवर में या कुरुक्षेत्र सरोवर तट पे, उसको कहीं ना कहीं चले जाए, महल में भी धक्का खा के आ जाएंगे। इसलिए मेरे अनुभव है, इसलिए वो यहाँ छोड़ कहीं जाने कहीं जगह जाने को अच्छा ना लगे। तो बाबा आपको भोजन आदि की व्यवस्था कैसे आप करे हैं? मधुकरी ब्रजवासी के घर से टुकड़ा मांगे हैं। ऐसो मैंने रसकन के मुख से सुने हो, संतन के मुख से सुने हो कि गहवर वन में हमारे प्रियाजी लालजू नित्य लीला करे हैं। ये हमारे प्रभु जी की, हमारी किशोरी जी की नित्य लीला स्थली है, यहाँ लाला रोज ही पधारे हैं। तो बाबा ऐसो आपने अपने जीवन में कोई अनुभव करे हो तो कृपा करो दास के ऊपर। अभी दास को अनुभव ना, अभी अनुभव नहीं है। हाँ, जब उन कृपा होगी तो पड़े हम उनके भरोसे, उनसे कोई जबरदस्ती ना है जी। जब उनकी इच्छा होगी, उनको नाम ले रहे हैं, जैसे हम पे बनने हो, जैसे हम नियम बनना हो, वैसा नियम कर रहे हैं, जो गुरु आ गया है, बाकी जैसी उनकी इच्छा, क्योंकि इच्छा उनकी है, उनकी इच्छा बगैर वो किसी को ना कुछ कुछ करें। उनको बुलानो अपने साधन के बल पे, भजन के बल पे, तो एक जबरदस्ती टाइप है, जैसे नामदेव जी ने बुलाया जी, सबको दिखा के, ऐसा ना है। साधक उनके ऊपर रहे, वो अपनी प्रसन्नता हो तो उनकी आमे, तो प्रसन्न रहे अपने मस्ती में, मस्त रहे, कोई दिक्कत नहीं। हम अपनों काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बाकी उनकी इच्छा की बात, इच्छा है। जब उनकी इच्छा होगी, जब वो बस आके हम बरसाने में रखे बीवी की कृपा में, ये उनकी इच्छा ही तो है बाबा की, जो आपको अपने हृदय में विराजमान कर रखे हो। जो संसार ने ठुकरा दिया तो उनने अपने हृदय पर लागत लगा लियो। मैया आई, मैया ने मन मंदिर में आई तो एक बार पूछी, ऊपर श्री जी है बड़ी, तो श्री एक तरफ, श्री जी एक तरफ में, तो मैया ने पूछी तो ये चाहिए, मैंने चाहिए उनकी मुस्त्री जी चाहिए, श्री जी वाला आता रही कहीं नीचे गहरों में, मैया भाग गई, मैया को प्रणाम कर दिया मैंने, मैया मैं तू ना चाहिए, मेरी असली मैया तू बैठी, मेरी जन्मदिन की मैया, तू तेरा शरीर की मैया। बिल्कुल। तो बाबा अब घर से कोई लेनो देनो आपको नहीं है, मैया आवे को मिलवे के लिए, हमें पर सबको प्रणाम, आप अपने संसार में खुश रहो जी, और हमें हमारे संसार में खुश रहो भैया। बाबा एक प्रश्न और मैं आपसे पूछूं, ये सखी भाव आपने क्यों धारण करे हो, क्या भाव है आपके पीछे? या के पीछे इच्छा है किशोरी जी के सुख की जी, प्रिया प्रीतम के सुख की, प्रिया प्रीतम जो सुख चाहो यही सखी भाव है, भाव में भी और अंतरंग की दासी भाव जी, अष्ट सखी है हमारी ललता जी जी, उनके भी और गंभीर भाव है, दासी भाव, अष्ट मंजरी है, जो रूप मंजरी, लव मंजरी, प्रति मंजरी जी, तुलसी मंजरी जी, ये सब, ये अष्ट मंजरी, ये अष्ट सखी से भी गहरो भाव है, मंजरी भाव जो है, अष्ट सखी है ललता जी, सागर जी हैं जी, अष्ट सखी किशोरी जी के कहने पर ठाकुर जी के संग मिलन स्वीकार कर ले, परंतु अष्ट मंजरी सिर्फ उनको एक ही उद्देश्य, ये इनके इन प्रकार इन प्रिया प्रीतम को मिलाना, इसी में उन्हें सब कुछ मिल जाए, आठों पैर यही उद्देश्य है कि प्रिया जी और लाल जी को किस प्रकार से मिलन कराया जाए, स्वयं अपने मिलन की इच्छा कभी ना करें, अष्टमंजरी है, अपने अपने सुख को उनके सुख में ही अनुभव करें, अगर हमारे प्रिया जी लाल जी को सुख मिल रहा हो तो हमें सुख मिल रहे हो। इसके लिए उदाहरण है विलाप कुशमंजलि ग्रंथ है गोस्वामी जी का, गोस्वामी जी का, और उन्हें पहला श्लोक है, रूप गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं रूपमंजरी जी, कुंज में जगल जगल विलास चल रहे हो, तो
जो श्री जी के संग रह रहे हो, जो ठाकुर श्री संग कर रहे हैं, जो वो सब कुछ रूप मंजरी जी के शरीर में प्रभाव पड़ रहे होगा। तो अगर श्री जी ठाकुर प्रियतम प्रिया को आलिंगन कर रहे हैं या चुम्बन कर रहे हैं, तो उस सब के निशान रूपमंजरी जी के शरीर पर आ रहे हैं। तो अच्छा, इतनो गहरो गहरे गहरे खोई हुई है रूपमंजरी जी, दूर देश देख रही है, दूर से सेवा भी कर रही है। और जो ठाकुर जी ने किशोरी जी के अदर पे क्षत करो, तो वह निशान रूपमंजरी जी के अदर पे आ गया। इतनो गहरो हुए है तो बाबा भक्ति की तो सर्वोत्तम स्थिति है ये, सुपर वहां तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। कोई मुश्किल ना है, कोई मुश्किल ना है, हमें लगे मुश्किल है पर मुश्किल कोई ना है। बाबा आपने बड़े सहज में कह दियो को मुश्किल ना है, बहुत बस कोई मुश्किल ना है, बस बस इनके भरोसे पे, अपने गुरु सखी के भरोसे पे, अपने गुरु के भरोसे पे चलते चले जाओ, जो व्यवस्था बताओ अपने दिमाग में लगा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल ना है। मुश्किल उसके लिए जब हम आसक्ति ना छोड़े, उसके लिए जो हमारी बाधाएं, घर की बाधा, शरीर की बाधा, संसार की बाधा, इनसे लड़ते हुए निरंतर वह मार्ग पर चलते रहो। मेन बाधा है अपने अपने अंदर मैंपन, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये खत्म करना पड़ेगा बस। और ये सब भजन की कृपा है, नाम की कृपा है, गुरु गुरु नाम दे, गुरु सखी नाम दे। अब आपके जीवन में वो भावपूर्ण रूप में विराजमान है चुके हैं। अब जैसे श्री जी के साथ जो श्री जी जाने, गोपुरी जाने, पर बाबा कोशिश कर रहे हैं। आपने बड़े सहज में ये चीज कह दी, पर बड़ा मुश्किल है, कोई मुश्किल हम जैसे संसारी जीवन के काज बहुत मुश्किल। महाराज महापुरुष जी के अधिकांश परिकर ग्रस्ती रहे हैं, गौरंग महापुरुष जी के अधिकांश परिकर ग्रस्ती रहे, विरक्त बहुत कम रहे। स्वयं नित्यानंद जी पर तुम्हारे ग्रस्त में रहे, उन्हें नाम प्रचार करो। रामचंद्र जी उनके पुत्र हैं, सुपुत्र जी हैं, वीरचंद्र जी सुपुत्र हैं उनके, तो वो स्वयं ग्रस्ती रहे हैं। जरूरी ना है ग्रस्ती आज व्रक्ति व्रक्तनते भी और कहीं आगे जाके उपासना करते हैं, उपासना करते हैं, बहुत प्रमाण है। वर्तमान में आधार संत ग्रस्त है, जरूर तोड़े के ग्रस्त में रहकर भजन होगा श्री जी को। श्री जी की ऐसे ऐसे भी ग्रस्त हैं जो श्री जी के ज्यादा भजन कर रहे हैं। भक्तमाल में भी 90% ऐसे सदग्रस्तन की कथा है जिन्होंने ग्रस्त में रह के भगवत प्राप्ति करो है। कुछ ना, पर बाबा जहाँ पे श्री जी कृपा करें वही के लिए बड़ो सरल है, नहीं तो बड़ो मुश्किल। कृपा किशोरी जी की सब पे, सिद्धांत की कृपा सब पे है, धामे की है, संत है, आचार्य है, ग्रंथ है, सब कृपा श्री जी की है, पर हमारी कृपा हम पे ना है। कृपा की समीक्षा करो, हम पे श्री जी ने कितनी कृपा करी है, धाम में बुलाई, अपने संत दिए, अपने आचार्य दिए, अपने ग्रंथ दिए, गुरु महाराज दिए, उन्हें उनके उन्होंने बताया हमें कहा करना कैसे करना, फिर भी हमारी कृपा हम पे ना है। क्या ना है, हम अपनी बुद्धि लगा, गुरु की जो कह रहे वाकवान ना करें, अपनी बुद्धि लगा प्रमाद करें, इसलिए हमारी कृपा हमारे ऊपर ना है। सबकी कृपा पूरी है, उनकी कृपा तो बरस ही रही है, पर हमारी कृपा हम पर हम बनना है, इसलिए यदि हमारी कृपा हम बना है तो हम जाएंगे, कोई बताने वाला ना है। इसलिए गुरु की बात को प्रमाण करके माने, पत्थर लकीर करके माने, अपने बुद्धि ना चले। बाबा जब आपको सखी बाबा के हैं, यहाँ सब ब्रजवासी आपको सखी बाबा जाने, सखी बाबा के नाम से आप प्रसिद्ध हैं, तो जब आपको सखी बाबा के हैं तो आपको कैसे हृदय में रोमांच उत्पन्न हुए? बस सखी संत याद आ जाए, मेरी किशोरी जी है, मेरी प्रिया प्रीतम है, और कोई ना मेरा, मैं उनकी वो मेरे, या बात को तुरंत भाव प्रकट हो जाए। बाबा वास्तव में आपकी भक्ति वंदनीय है, ऐसी छोटी सी कुटिया जहाँ में ठीक से सोनो बैठनो भी बड़ो मुश्किल है, और यहाँ आप वह परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं जो देवतान को भी दुर्लभ है। बाबा ग्रस्त में रह के नहीं है, हम लोगों को कैसे आचरण करना चाहिए जाते हमारी श्री जी की कृपा, किसी अरे ठाकुर जी की कृपा बहुत जल्दी हमें हुए। किसी एक संत को पकड़ो जी, जिसपे आपकी पूरी श्रद्धा हो जी, फिर उसके अनुसार चलो, जिस आप स्वतंत्र हो उसके लिए, उस संत के अनुसार चलो, तो ग्रस्त में रहकर भी आप बहुत आसानी से पार हो जाओ। अपने जीवन को संत के मार्गदर्शन में व्यतीत करो, जैसे संत भगवान आदेश करें वही हिसाब को आचरण करते हुए, संत आपके आपके मन मुताबिक हो या फिर आपको पहुंचा सके वहां तक। बाबा आज तो गुरु भी अपनी सुविधा अनुसार बदल रहे हैं लोग, ऐसा समय आ गया। हाँ, यदि गुरु गुरु बनने योग्य नहीं है तो बदल सकते हो, कोई अपराध नहीं है। अच्छा, तो गुरु भी सब तरह के हैं यार सर, बिल्कुल कलयुग में, इसलिए गुरु की पहचान वो परंपरागत होगा, परंपरा संबंधित होगा। आपके चरणन में एक और निवेदन,
जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द आप कह दो कि कैसे उन्हें किशोरी जी की कृपा प्राप्त हुए। कृपा बस अपने अंदर तड़प पैदा करो किशोरी जी से मिलने, किशोरी जी सेवा प्राप्ति की। कम से कम 24 घंटा में एक बार तो आंख में आंसू आवे किशोरी जी के लिए, एक बार तो किशोरी जी के लिए आंसू आवे, तो तड़प पैदा करो किशोरी जी कब 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 कब। तो आंसू आंसू भी बाबा दो तीन तरह के हुए हैं, विरह के भी आंसू हुए, प्रेम के भी आंसू हुए, प्रसन्नता के भी आंसू हुए, कौन से आंसू बहाने चाहिए? वो जो एक विरह में एक विरही पत्नी एक विरही पति के लिए भाव है, जैसे एक बच्चा की माँ खो जाए तो बच्चा माँ की याद में भाव है, एक बच्चा मेले में घूम रहे हो तो बाकी माँ खो जाए तूफान में तो माँ की याद में कुछ ना दिखे उधर फिर अपनी माँ को ही देखे, ऐसी तरह जैसे एक बच्चा माँ के लिए विरह करे ऐसे तड़पना पड़ेगा वो बच्चा उस समय सब चीज को छोड़ दे सब कुछ फेंक दे फिर माँ ही माँ दिखे ऐसी तड़प, फिर माँ चाहिए ही चाहिए, चाहे आप लाख खिलौना दे के हाथ में वो नहीं लेगो वह तो माँ चाहिए फिर खिलौना ना चाहिए ऐसी तड़प, तो वो तड़प हृदय में पैदा करनी पड़ेगी। तड़प के लिए जो आचार्य ऐसी जिंदगी जिए उनकी सत्संग करे उनके ग्रंथन को आस्वादन करे जी। यदि गुरु को कभी अभी कोई गुरु आगे नानगत ना हो तो गुरु के लिए प्रार्थना करे हनुमान जी थे भोले बाबा थे या श्री जी थे कि मुझे गुरु प्रदान करो आप गुरु मिलाएंगे, उसके बाद गुरु मिल जाते करो गुरु के अनुसार चले, जब तक गुरु नहीं है तब तक उन ग्रंथन को आस्वादन करे ग्रंथन को अध्ययन करो, जो जो जो, जो संत जिनने श्री जी को रो के पुकारो भास्कर गोस्वामी जी रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड किशोरी जी के लिए तड़पे रोए सेवा की प्राप्ति के लिए। भक्त पे कछु और बने ना है बाबा, भक्त रो ही है बस और कछु बने ना है भक्त पे। साधक शरीर ते रोए सिद्ध शरीर ते सेवा करिए प्रार्थना करिए साधक शरीर ते और या दीनता पे ही मेरी लाडली जी द्रवित है जाए। एक किशोरी जी आंचल की छाया करके खड़ी है श्री जी को उनके ऊपर राधा कुंड के गोस्वामी जी के ऊपर भरी धूप में किशोरी गोस्वामी जी तब भजन कर रहे हैं और भाषा में कुटिया नहीं तो ठाकुर जी एक तरफ ठाकुर जी खड़े ताकि गोस्वामी जी कोई कष्ट ना हो कोई सिंह वगैरह आक्रमण ना कर दे, ठाकुर जी एक तरफ खड़े धनुष्वाण लेके श्री जी एक तरफ खड़े श्री जी गोस्वामी श्री जी स्वयं धूप में खड़ी हैं खड़ी है और भक्त तो छाया कर रखी है। जय हो प्रभु। इसी तरफ इसलिए हमारे माधुरी जी के पथ में तो उनने एक ही उपाय बताया किशोरी जी की सेवा प्राप्ति के लिए रोनो लाडली जी के लिए रो दिन में कम से कम एक बार तो ऐसा समय आवे जो आंसू बहे लाडली जी के लिए। बाबा हम संसार के लिए रोमे पर लाडली जी के लिए तो यही तो श्री जी देखे मेरे लिए कितने रो रहा है अपने भाई बेटा के रो सके अपने नहीं रो सके संसार के काजे तो आदमी कई कई दिन तक रोवे है, एक बार नहीं कई कई दिन तक रोवे है और जीवन ते हम लोग रोते ही तो चले आ रहे हैं और करियो भी कहा है हमने अब तक हम रोते ही तो रहे रो ही रहे हैं संसार के लिए पर अब यू रोना श्री जी के लिए करना अब संसार के लिए बस रो लिया कोई कुछ मिला दो ना मिले इसलिए आप श्री जी के लिए रो। हाँ संसार में रहो व्यवहार निभाओ बस जो आपको कर्तव्य कर्तव्य निभाओ बाकी प्रेम सीता श्री जी से करो जी असली तो वही है प्रेम निभाने वाली तो वही जो जिम्मेदारी दी उन्हें बिल्कुल निभाओ बिल्कुल निभाओ जहाँ तक तुम्हारी सामर्थ्य है खूब निभाओ पर प्रेम तो लाडली जी प्रेम लाडली से करना शरीर दो संसार शरीर दो धन दो तन दो मन साक्षी दे दो केवल मन देनो है मन देनो बाकी सब संसार को दे दो जाको तन चाहिए हो तन दे दो जाको धन चाहिए धन दे दो अभी अपना मन दे दो श्री जी को मन श्री जी के चरण अंत किशोरी जी की याद किशोरी जी को नाम किशोरी जी को लीला जो भी बाबा आज जीवन निहाल है गयो आज ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त हुए महाराज जो वास्तव में हमारी किशोरी जी की सखी है सहचरी है और बाबा भी वाई भाव से श्रीधाम बरसाना को एक स्थान है गहवर बन जो हमारी लाडली जी को हृदय स्वरूप कह हो जाए बाबा हमारी लाडली जी के हृदय में विराजमान है और बड़े सरल स्वभाव के संत अपने आप को लाडली जी की दासी माने सेविका माने सखी माने और ब्रजवासिन के घर से टुकड़ा मांग के नहीं है बाबा पाए के नहीं है दिन रात किशोरी जी को भजन करें। आज वास्तव में ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त करके आपने हृदय में जो अनुभव करे है जो आनंद रस प्राप्त करे हो वो आनंद रस आपको कैसो लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताया करो और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर करें ताकि ऐसे महापुरुष के दर्शन
ज्यादा से ज्यादा भक्तों को हो सके। और मेरा यही भाव है कि इन महापुरुषों के वचनों को मान करके संसारी जीवों का अगर कल्याण होता है, दो चार लोगों का भी कल्याण होता है, तो मेरा प्रयास वास्तव में सार्थक हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमंडल के ऐसे महान संतों के दर्शन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रज के ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं एक और महापुरुष की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को श्रीधाम गहवर वन की पावन भूमि से मेरा प्रेम भरा राधे राधे।